नमस्कार दोस्तों, आपकी दोस्त नेहा फिर हाजिर है आपके सामने अपनी कुछ नई पंक्तियों के साथ। आपका प्यार मुझे लगातार मिल रहा है, इस प्यार के लिए मैं बहुत 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 शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार मुझे आप लोगों से मिलेगा। और आप सबका ये प्यार मेरी हिम्मत को और भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा लिख सकूं। कहते हैं ना, जब कोई काम शुरू करना होता है तो मन में बहुत सी शंकाएं पैदा हो जाती हैं कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो आत्मविश्वास बनाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैंने ट्राई किया और भगवान की दुआ से, आप सबके प्यार से मैंने अपना चैनल शुरू किया यूट्यूब पर। और आप सबके लाइक्स, शेयर्स और आपका प्यार मैं अपने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। तो चलिए, आपने जो इतना प्यार दिया है उसको बढ़ाए रखने के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये पंक्तियाँ भी बहुत अच्छी लगेंगी हर बार की तरह। तो इन पंक्तियों का शीर्षक है जिंदगी के अनकहे पल। कभी खोना कभी पाना, यह तो जिंदगी का दस्तूर है। कभी हंसना तो कभी रोना, यह जिंदगी के किस्से हैं। कभी कहना कभी सहना, यह भी जिंदगी में कबूल है। कभी मिलना तो कभी बिछड़ना, यह भी जिंदगी में बहुत ज़रूर है। कभी लेना कभी देना, यह जिंदगी का उसूल है। कभी प्यार कभी नफ़रत, यह ज़िंदगी के एहसास हैं। कभी धूप कभी छांव, यह ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं। कभी कड़वी यादें तो कभी मीठी यादें, यह ज़िंदगी के पल हैं। कभी जीतना कभी हारना, यह ज़िंदगी के खेल हैं। कभी सच कभी झूठ, यह ज़िंदगी के हिस्से हैं। कुछ अनकहे से किस्से हैं, अपना लो इन सभी पलों को, फिर ज़िंदगी बड़ी हसीन है। धन्यवाद। तो ज़िंदगी के कुछ अनकहे पल मेरी ज़ुबानी, और आप सब ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरह महसूस करते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उन सभी पलों को इन मेरी पंक्तियों के साथ कोरिलेट कर पाते होंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कविता को सुनने के लिए। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए अपनी प्यारी दोस्त नेहा के साथ। सो मिलती हूँ अपनी नई पंक्तियों के साथ। टिल देन, बाय बाय।